हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI डेली जॉब्स अपडेट पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर हर रोज़ ITI और डिप्लोमा से संबंधित सभी प्रकार की जॉब अपडेट हम लेकर आते हैं, उसी क्रम में दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ITI पास आउट छात्रों के लिए और डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए एक भर्ती निकल कर आ रही है, जो है दोस्तों न्यू होलैंड ट्रैक्टर कंपनी में। तो यहाँ पर दोस्तों प्लांट भर्ती है। न्यू होलैंड ट्रैक्टर काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल कंपनीज में आती हैं, और यहाँ पर पहले से काफ़ी सारे ITI और डिप्लोमा पास छात्र जॉब कर रहे हैं। ये कंपनी दोस्तों ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती हैं, और काफ़ी अच्छा अनुभव आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप करना चाहते हैं एक प्राइवेट कंपनी में काम, जो कि जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा अनुभव मिल सके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो देखिए दोस्तों, बात करें अगर कंपनी नेम की, तो कंपनी का नेम जो है मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। कंपनी का नेम है न्यू होलैंड ट्रैक्टर कंपनी है, जो कि दोस्तों ग्रेटर नोएडा में है। तो यहाँ से जो है आप लोगों को अपना जॉब लोकेशन भी पता लग रहा है कि आपको जो जॉब करना होगा वो कहाँ पर करना होगा, ग्रेटर नोएडा में करना होगा। बात करें अगर क्वालिफ़िकेशन की, तो ITI पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। पहली वैकेंसी जो कि दोस्तों निम्न ट्रेड्स के लिए हैं, तो दोस्तों अगर आपने ट्रेड्स की हम बात करें, तो आपने अगर फिटर से ITI किया है, मशीनिस्ट से ITI किया है, ट्रैक्टर मैकेनिक से ITI किया है, डीजल मैकेनिक से ITI किया है, मोटर मैकेनिक ट्रेड से ITI किया है, टर्नर ट्रेड से ITI किया है, या पेंटर या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI किया है, या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल से, तो आप इस कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। एक बार फिर से हम ट्रेड्स को देखेंगे, फिटर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नर, पेंटर एंड इलेक्ट्रिशियन, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल से अगर आपने अपना ITI या डिप्लोमा पास किया हुआ है तो आप इस कंपनी में जॉब कर सकते हैं। बात करें अगर पोजीशन की दोस्तों, तो अप्रेंटिस ट्रेनी अंडर अप्रेंटिस एक्ट फॉर एक ईयर, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका वन ईयर का ट्रेनी पर आपको रखा जाएगा यहाँ पर, जो कि अप्रेंटिस एक्ट के थ्रू रखा जाएगा। बात करते हैं अगर वैकेंसी की, तो 80 टोटल वैकेंसीज हैं, ठीक है। ITI पास छात्रों की जो है यहाँ पर वैकेंसी वो 80 हैं, 80 छात्रों की आवश्यकता है, और मैकेनिकल से डिप्लोमा पास आउट छात्रों की जो है टोटल 10 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों को जॉब करने का। साथ ही अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आपकी जो एज है वो 18 साल से 24 साल के बीच होना चाहिए, यानी कि आपकी जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगली हम बात करें दोस्तों सैलरी की, तो आपको यहाँ पर 11,600 रुपये पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। साथ ही आपको कैंटीन फ्री और ट्रांसपोर्ट फ्री मिल जाता है यहाँ पर, और मेडिकल क्लेम जो है मेडिकल क्लेम आपको 2,00,000 रुपये तक का यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप लोगों को यहाँ पर काम करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। बात करें इम्पोर्टेंट डेट की, कैंपस प्लेसमेंट की जो डेट है वो है 29/1/2021, यानी कि 29 जनवरी 2021 को जो है आप लोगों का यह कैंपस प्लेसमेंट आ रहा है। तो देरी मत कीजिएगा दोस्तों, जल्दी कीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को जिनको जॉब की आवश्यकता है उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कैंपस प्लेसमेंट की जो लोकेशन है वो है RD ITI हरिबहनपुर काली काबरा वाराणसी में ये कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है। ये जो रेड बॉक्स में बंद है दोस्तों, ये इंटरव्यू का एड्रेस है, तो जल्दी कीजिए और पहुंच जाइए इस स्थान पर 29/1/2021 को। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में ITI पास और डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए न्यू होलैंड ट्रैक्टर कंपनी में जॉब की अपडेट। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।